सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र के गांव खानपुर गुज्जर निवासी लक्ष्य का शव मिलने से मचा हड़कंप दो जनवरी से लापता लक्ष्य का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला जिसकी सूचना मिलते पुलिस बल के साथ फ़ॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची और जांच की एसएसपी विपिन ताड़ा भी घटनास्थल पहुंचे जानकारी ली लक्ष्य के परिजनों को सूचना लगते ही घर में कोहरा मच गया थाना गंगो में ये बच्चे का शव मिला है और ये बच्चा जो है करीब 20 दिन पहले दो तारीख के को ये बच्चा गायब हुआ था जिसके पश्चात पूरे गांव में तलाशी अभियान तला था तीन दिन तक लगातार पुलिस का और जो गांव का तालाब है उसको भी खाली करवा कर देखा गया था पूरा परंतु आज ये शव मिला है इसमें फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम हमने बुलाई है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौके पर आए हैं और मुकदमा दर्ज कर परिजनों की जो भी तहरीर होगी फिलहाल बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें पुलिस तत्परता से लगकर इसका शीघ्र अनावरण करने का प्रयास करेगी जी इसमें बच्चे का शव जो है ये गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में मिला है इसमें तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी पहले भी जब बच्चा गायब हुआ था या आसपास का पूरा इलाका पुलिस और जन सहयोग से इसको तलाशा गया था अब ये शव यहाँ नहीं था अभी किन परिस्थितियों में यहाँ आया है और किस प्रकार किसने घटना की है इसके लिए पूरी टीम लगकर पुलिस टीम लगकर इसमें अनावरण किया जाए सर अभी तक जो जाँच हो पाई है उसमें लगता है की फतवो की नगरी देवबंद में पुलिस को बदमाशों ने दी चुनौती सांपला रोड पर चेकिंग के दौरान सोमवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर सीधे कर दी फायरिंग फायरिंग में बाल बाल बचे पुलिस पार्टी ने बदमाशों के दुस्साहस का जवाब देते एक बदमाश गोली मारकर घायल अवस्था में दबोच लिया घायल बदमाश की पहचान पच्चीस हजार के इनामी नागल निवासी सक्षम त्यागी के रूप में हुई है जिसके बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो आस्थाना देवबंद की पुलिस चेकिंग कर रही थी इस दौरान ये अपराधी था जिसने की पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने पार्टी ने पीछा किया और दोनों पक्षों में फायरिंग हुई जिसमें कि ये अपराधी को गोली लगी है इनका एक साथी भी था जो मौके से भागने में सफल रहा इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है जो कि देशी निर्मित पिस्टल है और एक मोटरसाइकिल है पिस्टल और मोटरसाइकिल की जांच की जा रही है इनके पास से कहां से आई है जो तो इनका साथी फरार है उसके बारे में भी जानकारी कुछ प्राप्त हुई है जिसके आधार पर पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही है नाकाबंदी करके और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी फिलहाल ये जो अपराधी पकड़ा गया है इसका नाम सक्षम त्यागी है और ये कई मुकदमों में वांछित चल रहा था थाना नागल का इंस्टीट्यूटर अपराधी था और इसके ऊपर पच्चीस हजार पच्चीस हज़ार रुपये का इनाम था इसने क्षेत्र में कई फायरिंग की घटनाएं की है और काफ़ी समय से इसने अपना आतंक अपने साथियों के साथ क्षेत्र में फैला रखा था और यदा कदा ये घटनाएँ करता था इस पर पुलिस को इसकी तलाश थी और पच्चीस हजार रूपये का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था सोचना को ए सभी कार्यवाही के पश्चात पुलिस ने अब आगे मुकदमा दर्ज कर आगे कार्यवाही की जाएगी सहारनपुर में अमर शहीद निशांत शर्मा सेना मेडल के बलिदान दिवस पर शारदा नगर स्थित के पब्लिक स्कूल में एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ए फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा संयुक्त तत्वाधान में भव्य प्रस्तुतियां व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद को पुष्प अर्पित व द्वीप प्रज्वलित कर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा विधायक नकुर मुकेश चौधरी व भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश जैन केएल स्कूल के निर्देशक नवीन गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया शहीद के माता व पिताजी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया कार्यक्रम का सफल संचालन संदीप शर्मा द्वारा किया गया रक्तदान शिविर में पैंतालीस ने अपनी रिक्तांजलि अर्पित कर शहीद की याद में रक्तदान किया सोसाइटी 24 जनवरी 2021 में शहीद हुए अमर निशान शर्मा जी जिनका आज बलिदान दिवस बनाया जा रहा है जो कि पिछले दो सालों से अराउंड सोसाइटी की तरफ से बनाया जा रहा है और आगे भी ये प्रतन किया है इस सोसाइटी ने मिलकर और बाकी सहित सोसाइटियों से कि इस दिवस को हम भव्य रूप से हर साल मनाते जाएंगे क्योंकि हम अपने देश की जनता को बच्चों को आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक फ़ौजी जो है वो किसी एक परिवार का नहीं एक समाज का नहीं एक राष्ट्र का है और उसका सम्मान भी राष्ट्रीय होना चाहिए तो इस समय के पब्लिक स्कूल शारदा नगर में स्थित है यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि ब्लड डोनेशन कैंप बाय एफ भी लगाया गया है और काफ़ी लोग यहाँ पे अपना आज शहीदी दिवस के रूप में मनाने में ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं और एक भव्य बच्चों की प्रस्तुतियाँ हैं जो अलग अलग स्कूलों ने दी है और के प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये प्रोग्राम उनके प्रांगण में बना पा रहे हैं और समस्त लोगों को ये हम बताना चाहते हैं शहीद सम्मान महासम्मान प्लीज आगे आइए और इसके लिए इस तरह से हमें बोलना ना पड़े आप लोग खुद इस सम्मान को आगे बढ़ाइए जय हिंद जय जै भारत सहारनपुर की पुरानी मंडी स्थित मां जगदम्बा कुटुंब में एक शांतिपूर्ण बैठक का आयोजन बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में किया गया बैठक में जगदम्बा कुटुंब संरक्षक आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक जी महाराज जी ने कहा कि धर्म को लेकर भारत में ही नहीं अपितु पूरे विदेश में ग़लत बोला जाता है वह सही नहीं है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सनातन धर्म जागृत है चेतना अवस्था में है अपने धर्म के लिए पूर्ण समर्पित है सनातन धर्म आदि अनंत है जगदम्बा रसोई सेवा के संस्थापक विपिन कश्यप ने कहा कि चादर और फादर अब एक और चुके हैं सनातन धर्म को दबाने के लिए हर बार सनातन धर्म को ही अटैक किया जाता है क्योंकि सनातन धर्म की ताकत को जान गए हैं हम लोगों ने जो बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में हम लोगों ने सभा रखी है राधा कृष्ण मंदिर पुराने राज मंडी सहारनपुर में चादर और फादर आज एक हो चुके हैं सनातन धर्म की जो एक नींव है जो ताकत है उसे बोखलाए हुए हैं चादर और फादर जो इनका चादर फादर का जो इनका श्याम मानव जी का गुरु बैठा है वो श्रीलंका में बैठा हुआ है श्याम वो फंडिंग करता है वो फंडिंग देता है वही इनको रहा है मतलब बता रहा है सब कुछ वही करा रहा है आज इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा आज हम लोग सभी यहाँ बैठे प्रेम रखते हैं एक घर में रहते हैं पूरा राष्ट्र पूरा विश्व हम सबका है ये पूरा भारत सनातन की परंपरा से जुड़ा हुआ है इसलिए चाहूँगा कि बार बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप किसी सीरियल के माध्यम से किसी फिल्म के माध्यम से किसी अन्य डिबेट के माध्यम से मैं कहूँगा किसी और मत पर भी नहीं धर्म तो एक ही है सनातन था सनातन है सनातन रहेगा इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हैं जो नए नए मत बन गए मुझे लगता है आगे भी और लोग संत आएंगे और परंपरा के लोग हैं और नए मत बनेंगे तो वो अपने मानने की स्थिति होती है लेकिन किसी को भी इस प्रकार आरोपित ना करें प्रत्यारोपित ना करें इस प्रकार संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातन धर्म प्रेमी को यही कहूँगा कि अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने मत के प्रति भी अपने संप्रदाय के प्रति भी समर्पित रहना चाहिए लेकिन अपने संप्रदाय का मतलब यह नहीं कि हम दूसरे के संप्रदाय को अपमानित करें किसी को अपशब्द ना कहें किसी के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें और जब तक कोई सत्य सबूत, प्रमाणिक तथ्य हमारे पास ना हो तो उससे पहले कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए सत्य सनातन धर्म की जय